हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त मनु यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और पीछे खड़ी हुई है अपनी ट्राइम्फ स्पीड 400। तो आजकल काफ़ी भाइयों के कमेंट आ रहे हैं कि भाई हम इस बाइक को परचेज करने का प्लान कर रहे हैं, तो क्या आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो कि इस बाइक को लेने के बाद आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, इस बाइक के साथ कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा है, हम अगर कोई न्यू राइडर है तो वो इस बाइक को परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर कोई किसी दूसरी बाइक से इस बाइक पे अपग्रेड करना चाह रहा है, कोई 150-200 सीसी की बाइक से इस बाइक पे अपग्रेड करना चाह रहा है, तो वो कर सकता है या नहीं कर सकता है, उसके लिए क्या ये बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। एंड उसके साथ ही साथ कंपनी की तरफ से भी मेरे पास एक सर्वे आया था कि भाई ये जो बाइक आपने खरीदी है इस बाइक से रिलेटेड आप हमें क्या एडवाइस करना चाहोगे कि हमें इस बाइक में क्या इंप्रूव करना चाहिए। तो उन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि क्या इंप्रूव करने की ज़रूरत है इस बाइक में, एंड कौन लोग इस बाइक को परचेज कर सकते हैं, कैसा क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा है, उन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो चलिए कर लेते हैं अपनी वीडियो को शुरू। तो भाई सबसे पहले आप लोग अपनी बाइक को देख लो एक बार, अपनी बाइक कंडीशन मेरी बाइक की हमेशा वैसी मिलेगी जैसी मैं नई शोरूम से लेके आया था, बिकॉज मैं अपनी बाइक की केयर करने में भाई जरा सी भी लापरवाही नहीं करता हूँ, क्योंकि यार वो चीज़ मुझे पसंद ही नहीं है। जैसा खुद मैं घूम रहा हूँ ना धोके, उसी तरीके से मैं अपनी बाइक को रखना पसंद करता हूँ। एंड उसी तरीके से आप रखना पसंद करोगे तो आपकी बाइक डेफिनेटली जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं बाइक के अंदर, वो प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिक आदि हो जाएंगे अगर आप अपनी बाइक की टाइम टू टाइम केयर करते हो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बार दिखाना चाहूँगा कि मैंने अपनी बाइक को चलाया कितना है। तो भाई अभी इसको चेंज करते हैं एक बार, ये आप एक बार एवरेज माइलेज भी देख लीजिए, 30 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज माइलेज है, जो काफी सही है एक 400 सीसी बाइक के लिए। लेकिन एक चीज इंप्रूव करने की जो जरूरत है वो साथ ही साथ मैं बता देता हूं आपको। अभी ये यहाँ पे डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखा रहा है 990 किलोमीटर, एक्चुअल में इतना कभी भी नहीं चलेगी बाइक। बाइक का पेट्रोल अभी फुल भी नहीं है, एक बार कम है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एक बार कम है, एक बार कम होने के बाद भी 990 किलोमीटर ये इसका डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखा रहा है। तो ये चीज इंप्रूव करने की जरूरत है, काफी इनएक्यूरेट मीटर है, मतलब हर चीज के मामले में, चाहे माइलेज के मामले में हो ये जो दिखाता है, इसके मामले में हो, चाहे स्पीडोमीटर के मामले में हो। स्पीडोमीटर के मामले में मैंने आपको बताया कि इसमें भी इनएक्यूरेट है, तो उसकी वीडियो भी आप एक बार देख सकते हो। मैंने अभी अपनी जो RTR 310 है उसके साथ ड्रैग रेस की थी, तो वो अगर 160 चल रही थी तो ये 170 चल रही थी, लगभग स्पीड बराबर थी दोनों की, लेकिन इसमें 170 शो कर रहा था, उसमें 160 चल रही थी, तो ये भी इनएक्यूरेट है, उसको भी सही करने की जरूरत है कंपनी को। तो अभी आप एक बार अपनी बाइक को देख सकते हो, 3795 किलोमीटर, मतलब लगभग 3800 किलोमीटर हमारी बाइक चल चुकी है। तो इस ट्रिप के अंदर मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है बाइक के साथ, वो भाई बिल्कुल ओसम लेवल रहा है, मतलब सुपर से भी ऊपर वो चीज़ का एक्सपीरियंस मान सकते हो आप। हालांकि मुझे प्रॉब्लम हुई थी फ्यूल पंप को लेकर, इसका फ्यूल पंप सही नहीं था, वो बार शो करता रहता था, एंड इसका इंजन बंद हो जाता था, उसके बाद ये स्टार्ट नहीं होती थी, तो वो फ्यूल पंप चेंज हो गया था मेरा, अंडर वारंटी था, एंड वो दूसरे ही दिन प्रॉब्लम हो गई थी, तो भाई डेफिनेटली वो चेंज करना पड़ता, कंपनी को चेंज करना पड़ता है, एंड कंपनी ने उसको चेंज किया भी। तो इस तरीके की आगे प्रॉब्लम ना हो तो बढ़िया तरीके से चेक वैक करके फिर अगर मार्केट में कंपनी बाइक भेजती है तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होने वाला है। उसके साथ ही साथ अभी हालांकि सर्दी का मौसम आ गया है, इसमें मज़ा आता है, सर्दी के मौसम में मज़ा आता है, बाइक का जो इंजन है, इंजन गर्म हो जाता है जब हम थोड़ा बहुत चलते हैं, उसके बाद इंजन गर्म हो जाता है, और डेफिनेटली हमें पैरों पे फील होती है वो चीज़, यहाँ तक बिल्कुल सीट के पास तक, यहाँ तक इस पूरे एरिया के अंदर अपने को हीट फील होती है। सर्दी में तो उस चीज़ में मज़ा आएगा डेफिनेटली, लेकिन गर्मी के टाइम में वो चीज़ परेशान करेगी भाई। तो अभी तो फिलहाल मज़ा आ रहा है, लेकिन जब मैंने बाइक को परचेज किया था उस टाइम पे मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, एंड इन फ्यूचर जब गर्मी आएगी तब भी मुझे प्रॉब्लम होगी, तो हीटिंग इश्यू तो है बाइक में, एंड वो चीज़ सोल्व हो भी नहीं सकती, हम कंपनी को भी उस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं कर सकते। जितना बड़ा इंजन होगा उतनी ही ज़्यादा हीटिंग इशू होगा, एंड इसमें ज़्यादा इसलिए फील होता है बिकॉज इसका जो एग्जॉस्ट है आगे की तरफ से निकला हुआ है, एंड यहाँ पे ये चीज़ प्रॉब्लम करती है। अगर RTR 310 की बात करें तो उसका एग्जॉस्ट पीछे की साइड से निकला हुआ है, तो पीछे की साइड से बिल्कुल बीच से निकल के और फिर यहाँ से जा रहा है, तो वो जो हीट होती है वो सामने से जो हवा आती है उसके साथ पीछे चली जाती है, तो राइडर को वो चीज़ फील नहीं होती है, वो इस बाइक में अपने को फील होती है। अब अगर अपन बात करें कि कोई भी भाई इस बाइक को परचेज करने का प्लान कर रहा है, नया परचेज करने का प्लान कर रहा है, मतलब फर्स्ट बाइक अगर ये लेनी चाह रहा है कोई, तो डेफिनेटली ले सकता है। हालांकि बाइक में पावर वगैरह काफ़ी अच्छी है, टॉर्क वगैरह काफ़ी अच्छा है, लेकिन उसकी आदत पड़ जाएगी आपको, 10-15 दिन आप इस बाइक को चला लोगे तो आपको आदत पड़ जाएगी। तो अगर कोई भी बाइक परचेज करने का प्लान कर रहा है डेफिनेटली परचेज करो। आपके लिए मैं भी दुआ करता हूँ कि आपकी ये बाइक फर्स्ट बाइक अगर होने वाली है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहे। लेकिन इस चीज़ का खास ध्यान रखना कि अगर फर्स्ट बाइक ये परचेज कर रहे हो तो पावर वगैरह काफ़ी ज़्यादा है बाइक के अंदर, तो जरा सी भी लापरवाही मत करना, बाइक को बिल्कुल अच्छे से प्यार से चलाना, कुछ दिन बाद आदत पड़ जाएगी, उसके बाद आपको कोई खास प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब अगर कोई
150-200 सीसी से इस बाइक के ऊपर अपग्रेड करना चाह रहा है तो वो आराम से अपग्रेड कर सकता है, उसको कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन उसके लिए मैं एक मेजर पॉइंट ये बता देता हूँ कि आप जब भी राइड करोगे तो आपकी जो अभी तक पुरानी बाइक थी वो आपको 45-50 तक का अगर माइलेज दे देती थी, तो इस बाइक से वो चीज़ एक्सपेक्ट मत करना बिल्कुल भी। ये आपको एवरेज माइलेज 25 किलोमीटर पर लीटर तक का ही देने वाली है, तो उस चीज़ का खास ध्यान रखना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई नई नई जब बाइक परचेज करते हैं उस टाइम पे बिल्कुल उस चीज़ का मतलब एक तरीके से चाव होता है कि हाँ बाइक परचेज की है, बाइक का टैंक भी फुल रखेंगे, बाइक को बढ़िया चलाएंगे, आराम से माइलेज की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन एक टाइम पे जाके 2000-3000 किलोमीटर चलने के बाद भाई वो चीज़ फील होने लग जाती है कि यार बाइक बहुत ज़्यादा पेट्रोल पीती है, उसके बाद हम उसको बेचने का प्लान करते हैं, उस चीज़ में हम लॉस खा जाते हैं। तो इस प्रकार की गलती मत करना। अगर आप 25 किलोमीटर पर लीटर माइलेज से अगर सेटिस्फाई हो तो आप डेफिनेटली ये बाइक ले सकते हो। इस सेगमेंट में इस बाइक की जो परफॉर्मेंस है वो मुझे बहुत ही शानदार लगी है और कॉम्पिटिशन में मुझे दूसरी बाइक कोई लगती भी नहीं है इस सेगमेंट में। इतनी ज़्यादा अच्छी चलने वाली बाइक, इतनी ज़्यादा पावर देने वाली बाइक, इतनी ज़्यादा मतलब परफॉर्मेंस वगैरह काफ़ी ऑसम लेवल है यार बाइक की। तो डेफिनेटली ये बाइक बहुत ही ज़्यादा शानदार रहने वाली है अगर कोई भी भाई बाइक को परचेज करने का प्लान कर रहा है। मेरा ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरे लिए बहुत ही अच्छी रही है बाइक। 3800 किलोमीटर मैंने बाइक को चला लिया है, पेट्रोल वगैरह तो भाई बहुत ज़्यादा लग गया है, लगभग 15,000 रुपये की समथिंग शायद मैं पेट्रोल डलवा चुका हूँ इसके अंदर। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि पेट्रोल का अगर इशू हो तो भाई बिल्कुल परचेज मत करना, 25 किलोमीटर तक का ही माइलेज देने वाली है। लेकिन अगर वो इशू नहीं है तो आप डेफिनेटली इस बाइक को परचेज कर सकते हो, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। एंड मैं भी दुआ करता हूँ कि अगर आप ये बाइक परचेज करो तो आपको ये बाइक कभी भी कोई प्रॉब्लम ना दे। तो भाई एक छोटी सी जानकारी, एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए अगर इन्फॉर्मेटिव रही हो तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।